हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 33 फीट बाई 50 फीट का डायमेंशन का हाउस प्लान दिखाऊंगा, जिसमें मैंने 3 BHK का घर प्लान किया है, जिसमें किचन है, ड्राइंग हॉल है, एक डाइनिंग एरिया है, स्टेयरकेस है, बरामदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और आप लोग देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से स्टेप्स है, बरांडे पे आएंगे, बरांडे का साइज है 11 फीट बाई 4 फीट। यहाँ से मेन एंट्रेंस है जो कि ड्राइंग हॉल में जाता है। यहाँ पे एक विंडो है 5 फीट का, यहाँ भी विंडो है। तो यहाँ ड्राइंग का साइज है 22 फीट बाई 14 फीट 7 इंच। इस वाले वॉल पे कोई विंडो नहीं दिया है, क्योंकि इसको टीवी कैबिनेट बनाना है, इस पर टीवी डालना है, तो इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए इस पर विंडो नहीं दिया गया, इस पर विंडो दिया गया और इधर से विंडो, और इधर फ्रंट से भी कोई विंडो नहीं दिया गया है, ताकि इनका जो प्राइवेसी है, इनके घर हमारे क्लाइंट का, वो प्राइवेसी बना रहे और विंडो सामने से शो ना हो। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है जो कि 10 फीट बाई 10 फीट 10 इंच का है, और यहाँ स्टेयरकेस है जो ऐसे जा कर के फिर ऐसे है, और फिर यहाँ पे किचन है जो कि पूरा ओपन किचन है। ये मैंने डॉटेड लाइन दिया है, एक मिनट में आपको डॉटेड लाइन शो करके दिखाता हूँ। हाँ, ये डॉटेड लाइन हो गया, तो ये पूरा ओपन किचन है। यहाँ से भी ओपन है एक एरिया, यहाँ से डोर है 2.5 फीट का, जो कि यहाँ पे वॉश एरिया है, इसका साइज़ है 4 फीट बाई 12 फीट 10 इंच। और ये गार्डन इनका है, तो उनसे ये ओपन एरिया है, यहाँ पे डोर है, तो ये वॉश एरिया, यहाँ पे कपड़ा वॉश कर सकते हैं या फिर कोई अपना बर्तन वगैरह बड़ा बर्तन या साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है जो कि 15 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का है, इसका डोर यहाँ से है, कोई भी डोर एक्सपोज नहीं है हॉल से, ठीक है। तो इस एक्सपोज को बताने के लिए इस डोर को इधर से दिया गया है, और ये इधर एक चिल्ड्रन रूम है जिसका साइज़ है 12 फीट बाई 10 फीट। इधर एक विंडो है, और फिर यहाँ पे एक बेड है जिसका साइज़ है 15 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे है, विंडो साइड में दिया गया ताकि यहाँ पे जो उनका बेड लगेगा तो उसके बेड के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आए वॉल में, और साइड से दोनों खिड़की रहेगा तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगी, नेचुरल लाइट भी मिलेगी। और वैसे भी इसी तरह से इस वाले घर में भी दोनों साइड से विंडो दिया गया 5 फीट का, ताकि इसके बेड में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ये मास्टर बेडरूम है दोस्तों, जिसमें कि टॉयलेट अटैच है, जिसका साइज है 11 फीट बाई 4 फीट 8 इंच। और यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे वेंटिलेटर डोर बाई डोर का दिया गया है। तो इस तरह से मैंने इस घर को प्लान किया है। आपको डायमेंशन मैंने दिखा देता हूँ, 39 फीट 9 4 इंच, 31 फीट 1 इंच। तो ये था हमारे घर का प्लान, इसका डायमेंशन है 33 फीट बाई 50 फीट। तो इस तरह का आपका भी कोई प्लॉट है तो इस तरह का आप लोग घर बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको अपना PDF में कन्वर्ट करके मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं इसको PDF में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो, ठीक है दोस्तों। इसको सेलेक्ट कर लिया, वीडियो में जा देखिए दोस्तों, तो ये मैंने PDF में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ये विदेशों में, USA में इस तरह का घर प्लान किया जाता है। वहाँ पे नॉर्मली तो स्टेयर नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने इसमें स्टेयर ऐड कर दिया, क्योंकि अगर आपका भी कोई प्लॉट है तो इसमें स्टेयर डाल के इस तरह से अपना डुप्लेक्स प्लान बना सकते हैं। इसके ऊपर भी फ्लोर बना सकते हैं, डुप्लेक्स बना सकते हैं इसके ऊपर, और ऐसा कोई प्लॉट है तो इस तरह का डिज़ाइन आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आपके कोई दोस्त या मित्र या कोई रिलेटिव ऐसा कोई प्लॉट है उनको बनाना है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हर रोज़ मैं एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ जो कि घर के नक्शे पे होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये यहाँ से बरांडा होते हुए डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लग जाएगा, यहाँ पे टीवी कैबिनेट, यहाँ पे डाइनिंग, यहाँ स्टेयर ऐसे जाकर फिर ऐसे है, फिर ये ओपन किचन, इधर वॉश एरिया, ये फिर ओपन
चिल्ड्रन बेडरूम, यहाँ पे दोनों बेडरूम हैं, ये मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट अटैच। इस टॉयलेट का डोर इधर है ताकि सामने से एक्सपोज ना हो, कोई भी गेस्ट आया तो उनको दिखे ना ये डोर, इसलिए इसको ऐसे एक्सपोज करके दिया गया है तो एक्सपोज ना हो, इसलिए इस तरह से विंडो दिया गया ताकि अच्छा नहीं लगता है ना, सामने में कोई है और कोई बाथरूम से निकल रहा है तो भी अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए इस तरह से घर डोर दिया गया है। तो काफ़ी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस घर का मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।